राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग में एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीईटी वाले बड़का के है फिल्टर पैड दिए हैं बुंडी डाल, ये पेपर को नहीं आवे, तैयारी त्यूरी छोड़ दो, लाइब्रेरी में जिसने एडमिशन लिया है अपना घर चले जाओ। हर कोई कितने बाहर रहता हो भाई, कितने पिज्जी पाजी लेगी, कमरा कुमरा लेगी, तो भी आपका गाम गुम मत ले जाओ भाई, बोरिया बिस्तर ठाएगी। पेपर ही पे को नहीं हो इवे के अगली साल अगला एक दो साल तक को नहीं हो, तैयारी त्यूरी छोड़ दो और कहे कि फार्म भर लो, कोई पकौड़िया की रेडी लगा दो, कोई गोलगप्पे की रेडी लगा दो, बर्गर किंग खोल दो। और उसका पहला भी खबर देख लो क्या आई है भाई, कितनी बुरी खबर आई उसका पहला देखो भाई। अगर भाई आप लोग भाई जो कर सीट का पेपर तो होता को नहीं, प्राइवेट कंपनियां की तरफ अगर रुझान हो तो भाई री लेवल है, री लेवल के ऊपर भाई आप लोग प्राइवेट कंपनी का में है फार्म भर सीखो हो। री लेवल के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यो री लेवल, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला तरती, अगर तब उड़ जाके एक टेस्ट होगा जो कि उस लिंक के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराओगे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तारा टेस्ट में 500 प्लस नंबर आ गए ना 1000 का मैं था तो तब ना 15 दिन के अंदर अंदर है विद इन 15 डेज प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब मिल जाएगी। ये जो कर यो भाई है आर्यन कुमार मौर्या, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंट्यूजिन कंपनी का मैं है जॉब मिली है भाई, जिसका 548 नंबर आए थे 1000 का मैं था, तो नुए ताम भी ले सको हो। री लेवल है करीबन 6400 वर्थ करोड़ की जॉब है दे चुका है, 1000 से ऊपर जॉब है, साल से भी कम समय के अंदर दे चुका है। साथ में इसके ऊपर आपको कोर्स भी मिलेंगे, ठीक है, वो कोर्स भी आप लोग ले सकते हो। अगर किसी का टेस्ट क्लियर नहीं होता तो उन कोर्सों के द्वारा आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो सकता है। खबर देखो, खबर क्या आई है, खबर देखो ये भाई, हरियाणा सीईटी अब नवंबर में होगा, 11.5 लाख युवा कर रहे हैं डेढ़ साल से इंतजार, तो सुन गया भाई, यानी हरियाणा सीईटी का जो पेपर है इब नवंबर में भाई नए कैप्सूल दे ही जाएंगे। इब देखे तो मैं वेब सीरीज का डो इन कैसी बुंडी मट्टी कुट्टू होता, टेंशन ना लो। इब नुका सीईटी नवंबर में होगा, जो करे नवंबर का महीना होगा नुका जनवरी में होगा, जनवरी का होगा नुका मार्च में होगा, मार्च का होगा फिर नुका जून में होगा, फिर नुका अगले साल होगा इलेक्शन के टाइम पे होगा। इलेक्शन तो पहला कौन नहीं होना, छोड़ दो, कई तरह को डीमोटिवेट कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, हरियाणा का सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाला है ये भाई, डीमोटिवेट को नहीं, सच्चाई बताऊँ हूँ। अरे फायदा क्या है, कितने दिनों के तामने लाइब्रेरी में बैठे अंडे दिन दौड़ी उड़े, लाइब्रेरी में सेक दौड़ी सब कह रही, इतनी सीट सेक दी तामना, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखो खबर क्या आई है, हरियाणा में सीईटी अब आगामी नवंबर में होगा, पहले सितंबर में प्रस्तावित था। ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए सीईटी पास होना जरूरी है, इसलिए लगभग 11.5 लाख युवा सीईटी आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं। सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, 10 जुलाई को पंजीकरण पूरा हुआ था, 15 जुलाई ने फीस जमा करवा दी। एंड बंडसंड आगा देखो, पहले एनटीए ने कहा था कि अगस्त 2022 तक उसके पास अन्य परीक्षाओं का शेड्यूल है, मगर सितंबर में यह संभव है। पिछले कुछ दिनों से सितंबर की तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहा था। वैसे हरियाणा कर्मचारी सेना के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने भी दैनिक सवेरा से बात करते हुए यही कहा था कि सीईटी का आयोजन प्रदेश सरकार ने करवाना है, आयोग यह टेस्ट नहीं करवाएगा। आयोग के साथ हाथ खड़े करने के बाद प्रदेश सरकार ने तैयारियाँ शुरू कर दी थी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों के साथ सीईटी आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देश दे दिए थे। खत्री का कहना था कि एनटीए की तरफ से कोई रिस्पॉन्स को तो नहीं मिलता, एनटीए के साथ है किया गया है के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव श्री उमा शंकर का संपर्क रहता है। एक उच्च अधिकारी से दैनिक सवेरा को वीरवार को जानकारी मिली कि अब सीईटी सितंबर की बजाय नवंबर में आयोजित होगा, यानी कि वो एनटीए आड़े हैं, वो फुफे उनका गलत कॉन्टैक्ट कराया हुआ, तो उन्होंने बोले भाई हम सितंबर में कौन ही मारे अभी हों, तो और भी घने पेपर होने, और भी घना शेड्यूल है, तो ये तारा सीईटी वाला तांग जांग है, ये हम नवंबर में लेवाएंगे। इमनू कौन मेरा एनटीए वाले या बात कहूँ कि आप पे घराएँ गोलते हैं, कोई कहता हूँ मतलब कहने की बात यह है तारी गोभी सी खोज दी है, फिल्टर तारे मुंडी डाल पैट दिए हैं। मैं आज थोड़ा बाहर जा रहा हूँ नोएडा साइड, दिल्ली नोएडा साइड, तो इसलिए थोबड़ा वाली वीडियो नहीं बना पाया। वैसे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी का मैं इस तो केस जुटो थे छोड़ छाट दो, कोई दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की तैयारी लग जाओ करण, कोई गोलगप्पे बना लो, एच यू का गेट नंबर 4 का शामी उसकी बर्गर किंग नाम तक वो खोल लियो, बर्गर आगे रेडी भाई बहुत पैसा कमाओ, एक दिन में 4-5 हज़ार रुपया गए बर्गर बर्गर बेच जावे हैं, ये बर्गर बर्गर और वो और होया कर रहे वो अरे वो होया कर पकौड़ा वो के नाम है वो
नाम है ध्यान को नहीं उसका वो सर जो भी है उस तरह का मोमोज मोमोज रहे मोमोज वो दो दे दिया वो सकलता है कौन सुथरे और वो मेरे लोग को खा जाए गटर 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 पोटैटो सूप भाई चना सूप पोटैटो सूप और कौन और एक सीख सी आया अगर लंबी लंबी वो भी हाँ भाई उनके बोले फ्रेंचरीज ना फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज ये अंडर मंडर सेंट बेचो भाई एक दिन में 5-6 हज़ार की कमाई हो देखो एक दिन में 5 हज़ार की कमाई देखो 30 दिन में क्या क्यों 1.5 लाख रुपये घर बैठे कमाओ अगर सरकारी नौकरी वाला कभी कोने आते 1.5 लाख रुपये और खुद का धंधा ना किसी का अंडर प्रेशर जी करे तो एक बार फालतू बनाए खुद भी खा जाए छुट्टी जवान का जिक्र छुट्टी मार ले बात कर ले भाई एग्जांपल है जो एमबीए चाय वाला था ना उसने यानी जो अपना काम स्टार्ट किया था रेडी लगा स्टार्ट किया था तो आप लोग भी जो है ना लगता है कि भाई पेपर एग्जाम क्लियर नहीं होगा उनसे तो आप लोग भी इस तरह से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जिन्ना नो लागा ना मारवा पेपर क्लियर ना हो अपना काम धंधा देख सके काम शुरू कर सके टाइम खराब कर दो बच्चे एक साल से तैयारी कर रहे हैं समय रखते जैसे ही काम शुरू करोगे ना तो तुम्हें जल्दी प्रोग्रेस होगी हाँ जो बच्चे एक साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि तुमसे कुछ नहीं अचीव हुआ तो भाई उसके लिए एक सुजेशन है बुरा मत मानना तो आप कुछ और भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो भाई।